हेलो एवरी वन लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर नाइन इट इफ द रियल पार्ट ऑफ जेड बार प्लस टू ओवर जेड बार माइनस वन इज फोर मतलब जो इस इक्वेशन का रियल पार्ट होगा वो फोर के इक्वल होना चाहिए मतलब हमें फोर के इक्वल लेना है उसे देन शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग जेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ सर्कल तो हमें शो करना है कि ये जो इक्वेशन होगी हमारी वो सर्कल के इक्वल है तो सबसे पहले हम सॉल्व करके देखते हैं z बार प्लस टू और z बार माइनस वन को तो z बार हमारा क्या होता है x माइनस आयोडा वाई प्लस टू और नीचे हमारा क्या आ जाएगा अगेन x माइनस आयोडा वाई माइनस वन अब यहाँ पे आप क्या करोगे आपके पास दो टर्म्स आ रही हैं एक तो आ रही है x प्लस टू माइनस आयोडा वाई जो कि रियल नंबर माइनस इमेजनरी नंबर हो जाएगा सो दिस इज एक्स प्लस टू माइनस आई वाई रियल नंबर को मैंने एक तरफ ले लिया और इमेजनरी नंबर को पीछे की तरफ सेम विथ दिस एक्स माइनस वाई वन एंड माइनस आई वाई अब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रैशनलाइज करेंगे इसको नीचे वाले टर्म का ऑपोजिट लेंगे और ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई प्लस वन प्लस आयोटा वाई सेम एट द बॉटम एक्स माइनस वन प्लस आयोटा वाई अब आप क्या करोगे ऊपर वाले टर्म को एक्सपैंड करोगे और नीचे वाली टर्म में तो आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी लग ही जाएगा सो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं न्यूमरेटर को सॉल्व करने के लिए एक्स प्लस टू को एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल राइट एक्स प्लस टू इन ब्राकेट एंड एक्स माइनस वन इन ब्राकेट और एक्स प्लस टू को आपको लास्ट वाले नंबर से भी करना पड़ेगा सो इट विल भी एक्स प्लस टू आयोटा वाई देन माइनस आयोटा वाई को आप फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करोगे सो इट इज एक्स प्लस नॉट इट विल भी माइनस इट इज़ माइनस एक्स माइनस वन आयोटा वाई अब आयोटा वाई को लास्ट वाले टर्म्स हैं सो इट विल बी माइनस कितने आयोटा हैं दो हैं आयोटा स्क्वायर एंड वाई कितने हैं दो हैं ठीक है सो so ये तो हो गया न्यूमरेटर की बात अभी तो इसको और भी एक्सपैंड करना पड़ेगा ताकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकें नीचे देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म है तो आपका क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है इतना पार्ट तो हो गया हमारा सॉल्व अब हम कोशिश करेंगे कि सारी इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकें न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर भी तो न्यूमरेटर को सॉल्व करते हैं हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में ऊपर वाले पार्ट को फर्स्ट सॉल्व करेंगे विच इज़ एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन एक्स को एक्सपैंड करोगे तो आपका आंसर आएगा एक्स देन वी विल हैव टू एक्स वी विल हैव माइनस एक्स देन वी हैव माइनस टू राइट उसके बाद लास्ट में आपके पास आता है एक्स आयोटा वाई देन वी विल हैव टू आयोटा वाई इसको भी सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को तो आपके पास आएगा माइनस एक्स आयोटा वाई देन वी विल हैव आयोटा वाई इन द लास्ट वी विल हैव प्लस वाई स्क्वायर तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया ऊपर वाला पार्ट और देख लेते हैं कि क्या कैंसिल हो रहा है सो माइनस एक्स आयोटा वाई और पॉजिटिव एक्स आयोडा वाई कैंसिल हो गया आपका अब हमारे पास थोड़ी ही वैल्यूज बची हैं ऊपर की तरफ और अब हमें नीचे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करना है सो so, इसको सिम्प्लीफाई करोगे कैसे x माइनस वन होल स्क्वायर को ओपन करोगे यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एक्स देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू प्लस वाई स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है तो आपके पास ये वैल्यू आ गई और यहाँ पे न्यूमरे न्यूमरेटर को सॉल्व करो यू विल गेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देन यू विल हैव एक्स देन वी विल हैव माइनस टू एक्स की वैल्यू आई टू एक्स माइनस एक्स से सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास जो रियल है रियल वैल्यू को मैंने अलग कर दिए और हमारी जो वैल्यू होगी जो कि इमेजिनरी होगी उसको मैं पीछे की तरफ लूँगी क्योंकि उन्होंने बोला था दैट द रियल पार्ट इज इक्वल टू फोर ठीक है सो दिस इज़ थ्री आयोटा वाई अब दोनों के नीचे ही हमने जो वैल्यू सॉल्व करी थी वो लिख देंगे विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर थ्री वाई के नीचे भी सेम वैल्यू आएगी विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर तो अब रियल वैल्यू को ही लेना है सिर्फ हमने और उसको किसके इक्वल इक्वेट करना है फोर के सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू फोर पूरी वैल्यू को विद डिनोमिनेटर एज वेल अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे नीचे वाली वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड पे चली जाएगी सो यू विल गेट फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस एट एक्स देन यू विल गेट फोर वाई स्क्वायर अब आप वैल्यूज़ को इंटरचेंज करोगे इंटरचेंज मतलब कि लेफ़्ट साइड पर लेकर जा सकते हो या राइट साइड पर लेकर जा सकते हो आपकी मर्जी है तो मैं राइट एंड साइड पर लेकर जा रही हूँ सो फोर एक्स स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर जब राइट एंड साइड पर आएगा तो माइनस हो जाएगा सो फोर एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो थ्री एक्स स्क्वायर अब फोर वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर जाएगा तो दिस विल बी पॉजिटिव थ्री वाई स्कूल देन माइनस एट एक्स है यहाँ पे और ये वाला एक्स इधर आएगा तो माइनस नाइन एक्स कर देगा इसको और माइनस टू है तो माइनस टू राइट एंड साइड आके प्लस सिक्स देगा हमें सो so, आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन आई है हमारी ये किसके एक्यूवेलेंट आ रही है इट इज़ अ टाइप ऑफ सर्कल राइट सर्कल इक्वेशन के एक्यूवेलेंट है सो दे ऑफ वी कैन से दैट जेड लाइज ऑन द Circle. So, this is your answer for question number nine. Thank you for watching. Have a great day.